हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आप चलते हैं तुंगनाथ की चढ़ाई करने के लिए। तो रात को भाई यहाँ बर्फ़ पड़ी थी अपने सामने वाले पहाड़ पे, और दिखाता हूँ धूप निकल गई, एक नंबर नज़ारा हो रहा है, दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई बर्फ़ तो देखो भाई ये पड़ रखी है सामने बिल्कुल कैंप के यहाँ। भाई कैंप देखो ऐसे अपने यहाँ दोपहर में सही लग रहे हैं। देखो वाइड एंगल दिखाता हूँ, वादियों के भाई मज़े ही अलग हैं यहाँ। देखो ये सोलर वगैरह है, और भाई देखो अपने तैयार, सब तैयार खड़े हैं रेडी। और ये हमारे भाभी मिस्टर के साथ रेडी हो गई है, मिस्टर सुरात से रो रही थी। चलो भाई चलते हैं, और यहाँ से ये देखो पूरा अब दिखा दो चढ़ाई के यहाँ। ये देखो भाई जिम कॉर्बेट बन गया है भाई। यहाँ से हम ले रहे हैं डंडी, देखो डंडी ले ली है, ताऊ जी जूते ले लिए हैं, ये बूटी बूट वाले भाई। यहाँ से है एंट्री है तुंगनाथ बाबा की, अपने अंदर जाने की रात की। देख लो भाई घंटी बजाओ और यात्रा करो स्टार्ट। देखो भाई जय बाबा की, वह चलती है गुस्से अंदर आ जाएगी। ये डंडे वगैरह ले सकते हो, हमने तो पहले ले लिए, ले सकते हो पीछे देख लो। तो भाई खड़ी चढ़ाइएगा थी, देखो भाई पढ़ लो धीरे चलो भाई। और भाई ये थोड़े चढ़े हैं मार, तो फिल्टर पार्ट लिया हमारी भाभी तो कह रही है मकली चढ़ जाओ, वही बहुत है, और इधर मिस कर दे जरा डंडा लेके। और भाई मैं बैग ढो रहा हूँ, वो भाई व्यू देखो, रिक्स जीवन देख लो भाई। और भाई चढ़ाई ना बिल्कुल खड़ी है, देखो चढ़ा दिखाता हूँ भाई, सांस फूल रहा है देखो भाई। और सारी चढ़ाई ऐसी है ना, वो भाई तो व्यू तो कह रहे आऊँगा, लेकिन भाई हमारा व्यू बन लेगा है। माता की चढ़ाई तो कैसी है? माता चढ़ाई तो खट्टी नहीं हो भाई, माता की चढ़ाई देखी थी आपने, वो आसान थी, ये कठिन है थोड़ी, लेकिन हम चढ़ेंगे भाई। देखो स्टार्ट होती है आपको तो कैसे दिखेंगे, सब सावधान पढ़ लो आप रोक के। और भाई व्यू मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में व्यू सही आ रहे हैं, और अभी ऊपर बंदे मिले थे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, हैवी स्नोफॉल, देखते हैं जाके ऊपर। भाई थोड़ी ऊपर चढ़ते ही आपको दिखेंगे पर्ची काउंटर, और ये है पर्ची काउंटर। देखो यहाँ ताई ताऊ जी बैठे पहले ही हमसे, यहाँ पर्ची कट रही है, टिकट प्राइस है, यहाँ पर्ची कटेगी जी सर, पर्ची काट रहे अपने जाओगे लेके। भाई देखो ऐसी पर्ची कटती है, जैसे हम दोनों कटवाई, दो जने कटवाई है हमने अभी। भाई अभी हम एक डेढ़ किलोमीटर आ लिए ना, और भाई जो केदारनाथ फिल्म की शूटिंग हुई थी वो दिखाता हूँ आपको। भाई जैक की जोकर सब तो मन कर रहा है, मैं इसका लेकर चढ़ा था, साथ चढ़ गया। देखो भाई जी ये देखो भाई ट्रैकिंग का जो था, देखो यहाँ सारे खड़े, देखते कौन कौन जाओगे ऊपर, कौन ना जावे, क्योंकि अभी मिस के चक्कर में। भाई देखो रितेश मिस का बैठे, देखो और मम्मी आए भाई, और हमारी भाभी थक गई है भाई। ये नंबर व्यू बहुत जबरदस्त है देखो भाइयो, फाइनली बर्फ़ दिख गई हमें, स्टार्टिंग हो गई यहाँ से बर्फ़ की देखो, और हमें वहाँ जाना है यहाँ। भाई दिक्कत ना चढ़ाई नहीं, एक तो खड़ी चढ़ाई, ऊपर से पत्थर देखो यहाँ जाके, ये ग्रिप नहीं बन पा रही इन पे, ऐसे चढ़ते ऊपर खाबड़ में। हमारी भाभी थक चुकी है बुरी तरह, और हमारे ताऊ जी जा रहे हमसे सबसे आगे, देखो देखो ताऊ जी ने सब तो आगे है भाई, और हम पीछे, वो चढ़ाई चढ़ी खड़ाई भाई, बहुत कड़ी चढ़ाई है। देखो भाई बर्फ़ की शुरुआत होती जागी, और ताई और भाभी, भाभी ज़्यादा कमज़ोर है, ताई ज़्यादा मजबूत है, भाभी थे तो। और भाई भाभी मेरा मोर डाउन कर रही है बार बार, मोहित मोहित। और भाई हमारे ताऊ जी ने ग्रुप बना लिया है भाई, ये चढ़ाई आई है ना, इसे फिल्टर पार्ट देखो, और हमें पार्ट भी जाने बहुत ऊपर है मम्मी अभी तो। ये भाई कितने ऊपर चढ़ाई देखो, देखो भाई जिंदगी में एक बार जरूर आओ तुंगनाथ, कैडे जी से आ जाते भाई, मज़े आ गए।
ओ भाई सांस फूल रही थोड़ी बात तो ये फिल्टर फुट सब पार्ट गया मेरे तो भाई बस भाई व्यू का नजारा है भाई हमने दोबारा स्टॉप ले लिया ना कहां से उतर के आए ये शॉर्टकट उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं 500 मीटर पे दोबारा भाभी ने ब्रेक दबा दिया केड़ा का भाभी क्या कर रहे हो यार बहुत थक गए वो तक एनर्जी नहीं थी और ताऊ जी कहां पहुंच गए यार पापा तो वहां पहुंच गए 15 मिनट में ऊपर भेज दे सारे आगे मैं आऊंगा थोड़ी देर में तो बढ़िया फोटो का अट्रैक्शन लगाओ जी यहाँ से देखो देखो भाई यहाँ से व्यू एक नंबर का ऊपर जाते जा रहे उतनी ऊपर आते जा रही है और भाई चढ़ाई ना जा रही भाई भाई भाभी से पूछो चढ़ाई तो क्या कर रहे भाई लेकिन भाई व्यू ऊपर जितने ऊपर चढ़ो उतना तगड़ा व्यू और भाई चढ़ाई ना खड़ा है वही खड़ी चढ़ाई है यार बार बार दिमाग देखो अपने ऊपर कत्ती बिल्कुल ऊपर चढ़ाई है और भाई यहाँ का मौसम देखो आप यहाँ मौसम ऐसे हैं और भाई नीचे से आप आओगे ना तो एक ही होटल पड़ रहा बीच में ये तो आप यही ले लो जो लेना खाना पीना है ऊपर कुछ भी नहीं है ना नीचे कुछ है कई किलोमीटर या छोटा सा है यहाँ कुछ खाओ पियो या ऐसा हम पहुँच गए लगभग आधे से ज़्यादा दिखाता हूँ आपको व्यू ये देखो और ये देखो भाई पूरा बर्फ़ का चादर हो रही है भाई सबसे पहले हमारे ताऊ जी पहुँचा है हाँ ताऊ जी जल्दी कैसे पहुँच गए मैं सबसे पहले पहुंच गया मैं थका भी नहीं हूं बिल्कुल मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई 1% हम बाद मारे हैं हम बाद मारे हां ये सब पीछे हैं और मैं सबसे आगे हूं और एज में सबसे बड़ा हूं इनसे 50 प्लस 52 प्लस और देख लो भाई मैं तो दौड़ता हुआ आ रहा हूं कोई फर्क नहीं मेरी सेहत पे कुछ भी नहीं वो देखो भाई मैं बहुत नीचे से आया अभी यहां से देखो हम दिखाता हूं सर तैयार भी आ गई भाभी भी आ गई भाई बस ना एक चीज के यहाँ वो है कि यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन कम हो जाता है पता चलते भाई भाभी पूछ जाके कैसे हो रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन कम है सब भाई भाभी हो गए ताई वहाँ जाना हमने पीछे चल लोगे देखो जा सको तो देख लो मन हम जावे आधा किलोमीटर बस तो डाउन हो गई हमारी भाभी तो जाओगे ऊपर वहाँ बर्फ पे देखो वहाँ अब तो देखते तू इतना आया तो थोड़ा और कष्ट कर लो जाओगे नहीं जाओगे क्या हो रहा है तो आएगा बिल्कुल उसमें स्नो में आगे तक तो हम खाली खाली जा रहे थे देखो स्नो में ऐसा लग रहा भाई अपने महीने मनाली आ गए हूँ ये हमारी भाभी कोशिश कर रही है देखो ध्यान दो मत मारो अरे गिल्ला हो जाऊंगा ना भाई गीला कर दिया भाई मंदिर देखो वहां से दिखेगा शायद देखते वहां जाके आगे थोड़ा देखो भाई खाई देखो और भाई आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी यहाँ पे एक साइड बर्फ ही बर्फ देखो वो पाथ भी बहुत छोटा है और आगे जाके यही बर्फ बिल्कुल छोटी छोटी होती जा रही है जैसे हम थूनस पहुंच रहे हैं देखो ऐसे पूरे गाइड भाई दो जने आगे से कोई आ जाए तो हो नहीं सकता यहाँ से देखो भाई यहाँ डर लग रहा है भाई देखो बर्फ आ गई भाई यहाँ क्या चढ़ेंगे अब यहाँ देखो भाई ब्लैक आइस काइस ऐसे हम मंदिर पास पहुँचते जा रहे हैं वो देखो पड़ गया भाई आराम से करो भाई आराम से वहाँ मैं छोड़ो भाई यहाँ देखो फोन रखता हूँ अंदर चला भी जा रहा क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा है ये देखो आप पीछे तक लाइन लग रही है बहुत ज़्यादा आइस है भाई सबसे कठिन ट्रैक है ये बच गया यहाँ आइस है स्नो की वजह से जूते मैं पहने रनिंग शूज तो भाई बहुत रिस्क खेल है देखो मंदिर पे बस नहीं भाई हमें जगह नहीं मिल रही कहाँ जाए वो देखो देखो भाई बोलो तो भाई ये जगह ही नहीं है देखो कहाँ जाए स्लिप नहीं हो देखो पूरा सफेद चादर हो रही है
देखो यहाँ पे ऊपर से दिखाते हैं मंदिर ये रहा हमारे। हाँ पीछे तो एक दो जने आ रहे हैं, मैं और भाभी ही हैं अभी। और भाई बर्फ में चलना बहुत महाभारत हो रहा है, देखो जूते ऐसे ऊपर से ये डंडे ऐसे खराब हो रही है। और बर्फ देखो पूरी व्यू बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है नजारा। लेकिन ना आप वसूल हो जाएंगे आना, एक नंबर लग रही है वो भाई। हम चला बस यहीं रुक जाओ, कोशिश तुम्हारी भाई ऊपर तक है, चलो देखते हैं जाके ना। इतनी दूर आ गए मंदिर में, लेकिन पता चला था अंदर जा ही नहीं सकते। देखो भाई कपाट बंद है, क्या देखो क्या लिखा, कृपया प्रवेश ना करे वरना हम पंडित तुम्हारे अंदर डंडे दे देगा। कोई भी नहीं है उधर। देखो भाई ये लिखा जय बाबा तुंगनाथ, ये मंदिर रहा, यहाँ देख लो पूरा व्यू ऐसा आ रहा है। और भाई पूरा बर्फ ही बर्फ हो रही है, इस साइड देख लो व्यू तो अपना ऐसे ही है यहाँ का। पहले तो यार यहाँ जाने देते थे, हैवी स्नो की वजह से नहीं जाने देते, स्नो बहुत ज़्यादा फिसलन भी। और भाई बंदे आए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन आने का। देखो भाई बर्फ फिसलन और व्यू देख लो यहाँ से, ठीक है भाई एक बार भाई व्यू देखो यहाँ से। भाई हम तो सोचे थे वहाँ पे दर्शन होंगे, दर्शन वगैरह तो कुछ हुए ही नहीं। और भाई चंद्रशिला एक किलोमीटर दिखाता हूँ आपको, देखो ये ट्रैक है चंद्रशिला का, वो मंदिर देखो भाई वो रहा, देखो भाई वो दिख रहा है भाई ट्रैक, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। भाभी कैसे लगा इतने ऊपर आके, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना हमारा, हम अंदर है मंदिर के अंदर तो जाना ही, हमें पता ही था कि जा ही नहीं, बाहर से तो दर्शन हो जाते, मंदिर तक भी नहीं जा पाए हम क्योंकि वो गेट ही बंद है बिल्कुल। हैवी स्नो की वजह से कर दिया है भाई, सुनो इतनी स्नो तो भाई मैं सलोंग भी नहीं पड़ती जब मैं गया था जनवरी में। ये देखो आज दिखाता हूँ, देखो भाई नीचे से खाई देखो। इस साइड देखो अपना तुंगनाथ मंदिर है, इस साइड अपने बार में हम यहाँ से उतरेंगे नीचे, अपने यहाँ बर्फ में लिखड़ देंगे, उस साइड खाई है। कोई फालतू बोलता हूँ तो सारा दोस्त खाए। अच्छा साथ में लेके आए तू फालतू बोलने वाले को, यहाँ नीचे फेंक दो तेरे साथ मैं ही हूँ, तेरे को फेंक के चल जाऊंगी, दुश्मनी हो थारी किसी तो लेके आओ यहाँ फेंको। देखो भाई हाँ जी हेलो भाई है, नजफगढ़ से हम भाई द्वारका से पास से ही पास से ही। तो भाई देख लिया हमने यहाँ आसपास का सीन, बढ़िया एक नंबर का है। तुंगनाथ मंदिर में आना हमारा सफल हो गया है, लगभग बस दर्शन हो जाते और मजा आ जाता। देखो भाई ये देखो चंद्रशिला तुंगनाथ टेंपल। तो भाई अब चल दिए हैं हम, ये भाई भी अपने पढ़ पढ़ के आ रहे हैं और हम भी पढ़ पढ़ जा रहे हैं। देखो भाई बस यहाँ से आ गए, हमें गेम पहले मिला था हमें ये भाई बेंगलोर से आए हैं। देखो भाई पिसन बहुत ज़्यादा है, चलो भाई मिलते हैं नीचे जाके। यहाँ पे ट्रैकिंग का मज़ा तो है लेकिन भाई रिक्स भी बहुत ज़्यादा है, आप ये देख ही सकते हो कि कोई आ नहीं रहा नीचे, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कम से कम 10% लोग भी नहीं आ पा रहे ऊपर, स्लिपर इतनी ज़्यादा है। आप पहले तो ट्रैकिंग जूते पहन के आना, देखो गिर जाती भाभी हमारी अभी। भाई हमने ना गलत बहुत बड़ी गलती करी है, देखो भाई हाथ देखो, तुम पड़ गया मैं बर्फ, देखो देखो भाई हमने यहाँ तो जा सीधे जा रहे नीचे पहाड़म पहाड़, देखो देखो भाई बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे साथ, मैं दो बार तो पढ़ लिया। अरे भाई रे राम फल भाई, मैं तो रिकमेंड करूंगा वहां से मत जाओ, थोड़ा फिसल लो हाथ को तुड़वा मत लेना वहाँ। भाई यहाँ अपने भाई बता रहे हैं सही रास्ता है। भाई देखो हम तो ऐसे चल रहे हैं पहाड़ में, देखो भाभी जाए फिसल फिसल के, और यहाँ से हम फिसल के आए थे कितनी दूर थे, और भाई करेक्ट 5 मिनट पहुँच गए। देखो भाभी जा भाई नीचे नीचे आ गए, और हमारा सबसे बड़ी दिक्कत हुई है जैकेट गिल्ली। भाई देखो हमारे भाई मेरे तो कुल्ले भी गिल्ले हो गए भाई, भाभी गिल्ली हो गए, और मैं वो भाई देखो जूते भी पूरे गिल्ले हो गए। देखो मज़ा बहुत आया, स्लाइडिंग फ्री में कर ली भाई हमने। जय बाबा तुंगनाथ, अब जा रहे हैं हम भाई रास्ते पे, और यहाँ पे भी आई सब भी देखो भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ की देखो उतरने में, ऐसा यहाँ उतरना बहुत मुश्किल है। और भाई उतरते हुए तो इतना जोर नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, और ये मंदिर देखो छोटा प्राचीन मंदिर, और व्लॉग देखो आप, उतरते बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा, कि सबसे बड़ी दिक्कत भाई पत्थरों की, वैसे जैसे ट्रैक बन जाए तो बहुत आसान हो जाएगा।
और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। भाई हम पहले स्टॉप में पहुंच गए हैं मिश्का और रितेश के पास। ये हमारे भाभी का तो चढ़ने में आसन खराब, उतरने में आसन खराब होगी। सबसे बड़ा मत्ता ही ताऊ जी सही है हमारे, तो सबसे तो पहले पहुंचे ताऊ जी। देखो यहाँ रितेश बैठे हैं मिश्का, तो भाई यार कुछ खाएंगे पियेंगे देखते हैं। थोड़ी लग रही है और भाई हम यहाँ रुके हैं, वहाँ है केदारनाथ की शूटिंग हुई थी, वहाँ नेस्टिंग लिया भाई। ये भाभी चाय पी रहे सारे, यहाँ काम चल रहा है भाई जन विभाग का, फॉरेस्ट एरिया नहीं है तो यहाँ सारा काम चल रहा है। और यहाँ भाई शौचालय नहीं है, कब सोचते शौचालय नहीं है यहाँ पे भाई। इन पत्थरों पर उतरता उतरे हुए बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, पंजे में दर्द हो गया भाई। और भाई देखो जंगल जंगल है इस साइड उस साइड, आप यहाँ पे बालू भी कर सकते हैं। और भाई तेंदुए बता रहे थे वन विभाग वाले कि तेंदुए उन्हें वीडियो नहीं बनानी थी। और यहाँ पर खरगोश भी आते हैं, देखो भाई मिस्कू अब उठ चुकी है, अब ये खेलेगी, देखो अभी खेलेगी, ये उसके बाद गई नहीं ऊपर। भाई बाबा तुंगनाथ की चढ़ाई करके हम लगभग नीचे पहुंच गए हैं। ये मैं सोच रहा रितेश गया नहीं, ये मिस्का चक्कर भी नहीं गया, दो बार जा चुका है इसका, ऐसा इसका कहना है दो बार जा चुका हूँ, लेकिन ये चढ़ाई कर चुका भाई। चंद्रशिला नहीं गया एक बार, चंद्रशिला में ओले पड़ गए थे, ये टाट फूट गए थे भाई ओले पे। ओए भाई अब नीचे पहुंच गए, देखो पूरा ऐसा है पहुंच गए नीचे, बहुत हिम्मत चाहिए, हम 5 घंटे के अंदर पहुंच गए हैं। और भाई वैष्णो देवी से चढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई है यहाँ। ताई से पूछता हूँ, ताई कैसी लगी चढ़ाई यहाँ की? ताऊ जी से भाई मैं तो कुछ फर्क ना पड़ा। भाभी आप कैसे लगा चढ़ाई वगैरह, एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगली बार आ सकते हो तो नहीं भाई समझ जाओ, भाभी अगली बार नहीं आ पाऊंगी। और भाई ये देख लो एंड खत्म। तो भाई लाइक से सब्सक्राइब सारे भाई कर देना, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड।